हेलो यूट्यूब, आज हम पाइथन में किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसका सम निकाल के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर जो नंबर खुद से और एक से, एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे पहले तो किसी नंबर का फैक्टर निकालेंगे और उसको चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं इस नंबर के लिए, इंटीजर टाइप करते हैं, इसको इनपुट करेंगे, यूजर इनपुट इंटर एनी नंबर, यूजर को मैसेज दे दिया नंबर इंटर करने के लिए। फिर हम सम इक्वल टू कर देते हैं जीरो, जिसमें हम क्या है प्राइम नंबर जो रहेगा फैक्टर का उसका सम निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम प्राइम नंबर में जो बुलियन टाइप पे वैल्यू लगाते थे एफ इक्वल टू जीरो, ये जीरो या वन ही रहेगा। तो इसको हम देने के बाद फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक? तो चूंकि वन तो प्राइम नंबर वन और सेवेंटीन यानी खुद वो तो होता ही है, तो वन से नहीं, हम टू से लेंगे। कहाँ? नम तक जाएगा। नम जब हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो वो लास्ट जो होता है उससे माइनस वन तक जाता है, इसलिए हमें नम तक जाना है, इसलिए प्लस वन दे दिए। अब यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ नम मॉडुलस आई इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हो यानी नम अगर डिवाइड हो यानी फैक्टर निकलेगा, तब फॉर लूप चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं। फॉर जी इन रेंज टू, और इंटीजर टाइप कर देते हैं ताकि डेसिमल वैल्यू ना हो, आई डिवाइडेड बाई टू यानी आई के हाफ तक। कोई भी नंबर अपने हाफ से ऊपर डिवाइड नहीं होता है। सिंपल, अगर हम 18 देते हैं तो 18 हमेशा डिवाइड होगा 9 से, 9 से ही डिवाइड होगा, ये 10 से कभी डिवाइड नहीं हुआ, यानी हाफ से ऊपर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ हम हाफ तक ही दिए हैं। जो फैक्टर निकलेगा उसके हाफ तक चेक करेगा। इसमें हम फिर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आई डिवाइडेड बाई टू जे इक्वल टू जीरो, यानी आई अगर डिवाइड हो जाए तब एफ इक्वल टू वन, एफ का वैल्यू वन करो और ब्रेक कर दो फंक्शन से, ये लूप से बाहर निकल जाना है। सिंपल हो गया। अब क्या करना है हमें, इस फॉर आई इफ जो है कंडीशन उसके अंदर लिखना है, एक चेकिंग लिखना है, इफ एफ इक्वल टू जीरो, अगर एफ का वैल्यू जीरो हो तब, यानी जीरो हो यानी क्या होगा प्राइम नंबर होगा, जैसे ही डिवाइड होगा तो वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर अगर एफ इक्वल टू जीरो होगा तब सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में आई को ऐड करो और प्रिंट सम, सॉरी सम को प्रिंट नहीं करना है, आई को प्रिंट करना है जो है प्राइम। तो प्राइम नंबर को भी प्रिंट कर देंगे और उसके सम को भी प्रिंट करेंगे, पूरे फंक्शन से, पूरे फॉर लूप से बाहर आएंगे, जो आउटर फॉर लूप है उससे बाहर आएंगे और फिर प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट सम ऑफ प्राइम फैक्टर कॉमा देके हम प्रिंट कर देंगे सम को। अब इसको रन करेंगे। अब यहां हम 18 का निकालते हैं, तो 18 का दो ही प्राइम फैक्टर होता है, 2 और 3, तो दोनों का सम हो जाएगा 5। ऐसे 18 का फैक्टर 3 के अलावा 6 भी होता है और 9 भी होता है, चूँकि 6 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। फिर 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह इसका प्राइम फैक्टर आ गया 5। इसको हम समझ लेते हैं, तो सिंपली प्रोग्राम को उठाते हैं और नोट पैड पर लाते हैं। सब जैसे ही यूजर नंबर इनपुट करेगा यानी 2, अगर हम यहाँ नम यानी 18 तक जाएगा, अगर हम प्लस 1 नहीं देते तो ये क्या हो जाता 17 तक ही रहता, प्लस 1 यानी 18 तक हो गया, यानी 2 से 18 तक होगा। फर्स्ट टाइम नम का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम का वैल्यू हो जाएगा ऑलवेज 18 ही रहेगा, और आई चूंकि 2 से है तो फर्स्ट टाइम 2 से चेक होगा, 2 से जैसे ही डिवाइड, चूंकि डिवाइड हो जाएगा इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आई का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 2, 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, चूंकि 1 हाफ से नीचे 1 है, तो 1 इस कंडीशन में प्राइम में 1 आता ही नहीं है, तो 1 तो चेक करना ही नहीं, किस लिए? तो 1 और खुद से जो नंबर हो वो तो डिवाइड होगा ही, इसलिए 1 से यहाँ तो 1 का कोई यही नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1
प्राइम नंबर वन तो ऐसे भी हो गया, किसलिए तो यहाँ डिवाइड होगा ही नहीं, टू सॉरी प्राइम नंबर टू तो प्राइम नंबर हो ही गया, प्राइम नंबर टू और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं। हम अगर थ्री को देखते हैं, थ्री तो थ्री क्या हो जाएगा, थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री हाफ यानी वन, फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ वन से ही डिवाइड होगा और या थ्री से डिवाइड होगा, तो यहाँ भी f का वैल्यू वन ही रहेगा, सॉरी जीरो चेंज नहीं होगा और ये प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर से चूंकि डिवाइड नहीं होगा 18, फाइव से भी नहीं होगा, सिक्स से जब देंगे तो सिक्स के क्या हो जाएगा, सिक्स से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स यानी थ्री आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, i का वैल्यू आ जाएगा सिक्स। वन से थ्री तक डिवाइड होगा तो i का वैल्यू यहाँ हो जाएगा वन, वन से चूंकि नहीं चेक करना है, टू से चेक करना है तो टू, टू से क्या हो जाएगा, सिक्स डिवाइड हो जाएगा, f का वैल्यू वन हो जाएगा। फिर थ्री, थ्री से भी सिक्स डिवाइड, जैसे ही टू से डिवाइड हो जाएगा f का वैल्यू वन होगा, ब्रेक करके निकल जाएगा, थ्री तक जाएगा ही नहीं। अगर टू से डिवाइड नहीं होता, थ्री तक अगर थ्री से डिवाइड होता तो यहाँ क्या हो जाता, थ्री से जैसे ही डिवाइड होता बंद हो जाता है। तो इस तरह हम आसानी से एक एक नंबर का फैक्ट, एक किसी भी नंबर का एक एक फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसको चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं। तो इस तरह हम सेम लॉजिक यूज करके किसी भी लैंग्वेज में सम ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।